साल 2022 ने किया अक्षय को निराश। बॉक्स ऑफिस पर हर फिल्म हुई बंटाधार। ऑडियंस को नहीं पसंद आया खिलाड़ी कुमार का अंदाज। अक्षय कुमार जिन्हें कई टाइटल्स मिले, कोई इन्हें हिट मशीन कहता है तो कोई हिट की गारंटी, कोई उन्हें ऑल टाइम एंटरटेनर कहता है तो कोई इन्हें खिलाड़ी नंबर वन। लेकिन कोरोना के बाद से अक्की के चमकते सितारे को ऐसी नजर लगी कि बस क्या कहें, बॉक्स ऑफिस पर उनकी हर फिल्म औंधे मुंह गिरने लगी। 2022 के ही आंकड़े देख लीजिए। साल की शुरुआत होती है बच्चन पांडे से। कॉमेडी का तड़का लिए इस फिल्म को मिक्स रिस्पॉन्स मिला। हार्डकोर अक्की फैन को तो फिल्म खूब भाई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कॉमर्शियली सक्सेसफुल नहीं रही। 165 करोड़ में बनी फिल्म केवल 74 करोड़ कमाकर ही सिमट गई। चलिए कोई बात नहीं, अक्षय ने धैर्य नहीं खोया, और खोते भी क्यों, फिल्म की कमी तो थी नहीं। फिर 3 जून को अक्षय की फिल्म रिलीज हुई सम्राट पृथ्वीराज, जिससे फैंस के साथ साथ अक्षय को भी काफी उम्मीदें थी। अक्की को लगा कि ये फिल्म बच्चन पांडे की भरपाई कर देगी, लेकिन हुआ उल्टा। रिलीज से पहले ही फिल्म के टाइटल ने सुर्खियां बटोरी। पृथ्वीराज के टाइटल को सम्राट पृथ्वीराज कर दिया गया। फिर जब अक्की का लुक आया तो उसे भी लोगों को एतराज होने लगा। लोगों ने इसे बाला से कंपेयर करना शुरू कर दिया। फिल्म के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने फिल्म को कई साल दिए। 150 करोड़ में यशराज जैसे बिग बैनर ने इसे बनाया और फिल्म में केवल 90 करोड़ का ही बिजनेस किया। बात करें अक्षय की थर्ड रिलीज की, तो एक बार फिर भारी भरकम उम्मीदों के साथ खिलाड़ी कुमार लेकर आए रक्षाबंधन। राखी के मौके पर अक्की फिल्म के साथ हाजिर हुए। खूब प्रमोशन हुआ, खूब हल्ला हुआ। कहा गया फिल्म इमोशनल है, अच्छी है, बांधे रखती है। लेकिन 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 100 करोड़ में बनी आनंद एल राय की रक्षाबंधन का भी पिटारा 62 करोड़ में ही बंद हो गया। अक्की पर एक और फ्लॉप का ठप्पा लग गया। वहीं इसी बीच अक्षय की एक फिल्म रिलीज हुई जिसे OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उतारा गया। 130 करोड़ में बनी कठपुतली सेफ रही। वो बात अलग है कि ये फिल्म साउथ की फिल्म का रीमेक थी। फिर चलिए वापस बॉक्स ऑफिस पर, जहां अक्षय अपनी एक और रिलीज के साथ तैयार थे, जिसका नाम था राम सेतु। अक्की को फिल्म पर इतना भरोसा था कि वो ज्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहते थे, ना ही अक्षय ने फिल्म को ज्यादा प्रमोट किया। उन्हें लगा कि फिल्म की कहानी अपने आप ही बहुत कुछ कह देगी। दरअसल एक तरफ अक्षय का कैनेडियन होना और दूसरी तरफ ओ माई गॉड जैसी फिल्म का हिस्सा होना उनके एंटी जाता है। आखिरकार राम सेतु भी बॉयकॉट की भेंट चढ़ गई। बजट के मुताबिक फिल्म में काफी कम पैसे कमाए। कुल मिलाकर कहा जाए तो अक्षय इस साल ओवर एक्सपोज रहे। उन्होंने ये बात खुद मानी कि ये फिल्में पहले से पाइपलाइन में थी, जो कोविड के चलते बैक टू बैक इस साल रिलीज हुई। वैसे अब अक्षय फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। खिलाड़ी कुमार अब क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि अब अक्की हर दूसरी फिल्म में नजर नहीं आएंगे। वेल, हम तो यही कहेंगे कि नया साल अक्षय के लिए फिर से वही चाम वैसा ही काम लेकर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।